सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस कि आर्चर कितनी ज़्यादा ओवर पावर्ड है। एंड ऑल्सो मैं भी अभी अभी आर्चर बना हूँ मेज से, बिकॉज मेज इज़ सो एक्सपेंसिव एंड गाइस मेज मास्टर मोड्स में ज़्यादा काम नहीं आती है, इसलिए मैं आर्चर बना हूँ। एंड मैंने कम्युनिटी पोल में भी पूछा था और आप में से बहुत लोगों ने बोला था भाई आर्चर बनाओ, और मेरा फेवरेट आर्चर ही था बर्सर्कर आर्चर में से। एंड बाकी जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम अपना रन एज अ आर्चर किया, आई वाज शॉक्ड, भाई साहब क्या ही है आर्चर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भाई आर्चर क्या क्या कर सकती है और क्या चीज़ है। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ गाइस, मैंने जो पर 10 सब्स का गिव अवे किया था उसके अब 2 मिलियन का गिव अवे अभी भी बाकी है, जो कि मेरे 240 सब्स हो चुके हैं तो 2 मिलियन का गिव अवे बाकी है। तो गाइस वो होगा डिस्कॉर्ड सर्वर पे, 2 मिलियन का गिव अवे होगा, 2 विनर्स होंगे। तो गाइस जल्दी जाओ डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, अगर ज्वाइन हो तो इस वीडियो के आने के बाद डिस्कॉर्ड सर्वर पे गिव अवे स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि बहुत लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे मेरे पोस्ट देख के, भाई मैंने मतलब मेरी पोस्ट में मैंने बताया था कि मैंने 80 मिलियन लॉस्ट कर दिए मर के, मेरे पर्स में बहुत सारे पैसे थे तो मैंने 80 मिलियन लॉस्ट कर लिए मर के। तो फिर उसी दिन मैंने मनी को अपने वापस रिकवर कर लिया। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई कैसे किया तूने इतनी जल्दी अपनी मनी को रिकवर। तो गाइस इसके पीछे कोई भी ट्रिक नहीं है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है गाइस हैट नॉप, हाँ गाइस, तो उसने मुझे 95 मिलियन दे दिए थे। उस वो क्या है ना फेक पिक्सल्स छोड़ रहा है, तो उसने मुझे दे दिए थे 95 मिलियन एज अ गिफ्ट, सो उसको भी थैंक यू। बाकी उसने शाउट आउट देने को मना किया था तो इसलिए मैं उसको शाउट आउट नहीं दे रहा हूँ। बाकी गाइस वैसे भी अगर वो नहीं भी देता ना तो मैं अपनी मनी को वैसे भी 2 या 3 दिन में रिकवर कर लेता, उसके पीछे मेरी अपनी खुद की ट्रिक्स है जो कि मैंने अभी तक रिवील नहीं की है। लेकिन हाँ गाइस जैसे ही आप मेरे 300 सब्सक्राइब कर दोगे मतलब करवा दोगे, वैसे ही मैं अपनी सारी की सारी मनी मेकिंग ट्रिक्स रिवील कर दूंगा, मैं कैसे मनी कमाता हूँ। हाँ बस मैं ज़्यादा मनी ग्राइंड नहीं करता हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ किसी भी चीज़ को बाय करने के लिए। लेकिन हाँ बस अब टर्मिनेटर बाय करना है तो बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा। बाकी गाइस अब चलते वीडियो की तरफ, तो अब मैं आपको बता देता हूँ आर्चर एज अ आर्चर मेरा डैमेज कितना है। मेरी जुजुबो मैक्स्ड नहीं है, मैक्सॉर मैक्स्ड नहीं है, 3-4 मैक्सॉर है और सुपीरियर ड्रैगन चेस्ट प्लेट है, तो ये सब बिल्कुल भी मैक्स नहीं है। लेकिन इसके साथ फिर भी मेरा डैमेज जाता है 700K to 900K इन द स्टार्टिंग, बहुत बार स्टार्टिंग में ही 1 मिलियन चला जाता है। लेकिन हाँ गाइज वो ये सब फ्लोर के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर मैं फ्लोर 7 खेलूँ तो मेरा डैमेज स्टार्टिंग से ही 900K से 1 मिलियन ऊपर चला जाता है, और अगर मैं फ्लोर 1 खेलूँ तो मेरा डैमेज होता है 400K। अब इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हाँ गाइज बाकी गाइज मैंने अभी तक अपना आर्मर और जूजू को मैक्स नहीं किया है, जूजू वो तो फिर भी अभी स्टार सी बाकी है। बाकी मैं 100 लीटर 5 इसमें नहीं लगाने वाला, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। वैसे भी इस गियर पे अभी भी मेरे 100 मिलियन से भी ऊपर लग चुके ऑलरेडी, तो मुझे टर्मिनेटर के लिए भी मेन ग्राइंड करना है और नेक्रॉन के लिए भी ग्राइंड करना है, तो इसलिए मैं मनी बचाऊंगा। सो गाइस आज की इस वीडियो की तरह इतना ही, आई होप आपको अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी गाइस 240 सब्स का गिव अवे, 2 मिलियन का गिव अवे आज मैं डीसी सर्वर में रख दूंगा इस वीडियो के आने के बाद, तो जल्दी जाओ ज्वाइन करो और ज्वाइन हो तो गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना जल्दी से। बाकी गाइस बाय बाय।